गाजियाबाद में मतदाताओं के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां इस मतदाता केंद्र को फूलों से सजाया गया है, साथ ही इसमें कारपेट भी बिछाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां मतदाताओं को जो अपना वोट डालने के लिए आए हुए हैं, उनको गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर मेडिकल डिस्पेंसरी और अपाहिज लोगों के लिए व्हीलचेयर का भी इंतजाम किया गया है। इस संबंध में जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आदर्श मतदान केंद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इसको एक त्यौहार की तरह मनाएं और मतदाताओं को अपनी तरफ खींचे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो चुके, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ मतदान की प्रतिशत ज़्यादातर कमी रहती है। इसलिए लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए लोग आएँ, साफ सफाई हो, लोगों को चिकित्सा की सुविधा, व्हील चेयर की सुविधा और अन्य प्रकार की पानी की सुविधा देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आए। हमने देखा कि गाजियाबाद में पहली दफ़े ऐसा देखने को मिला है कि किसी मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया हो और फूलों से सजाया गया हो, वोटर्स को मतलब गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, इसीलिए दिए जा रहे हैं कि उन्हें इसका महत्व पता चलना चाहिए और हमें भी इसका महत्व पता चलना चाहिए कि हम एक त्यौहार मना रहे हैं, तो हम एक त्यौहार मनाने के उसमें सबको आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर। इसका उद्देश्य ज़्यादा मतदान करने का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुन है। शकुन जी, हमारा सवाल है, 2019 लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान का लोकतंत्र का उत्सव जिसको कहते हैं जी, वो है, आप वोट डालने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पूरी कोशिश करिएगा, आइए और वोट जरूर दीजिएगा, अपने जो आपका अधिकार है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए और आइए वोट कीजिए। अच्छा, ये जो आज हम देख रहे हैं गाजियाबाद में पहली दफ़े ऐसा देखने को मिला है कि वोटरों को गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आ रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा सा वार्म वेलकम हो रहा है, वोट देने आए हैं। शारदीय नवरात्र के साथ साथ और जो चैत्र नवरात्र चल रहे हैं इसके साथ साथ वोट का जो एक उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।